कोई तुहाडा छोटा जिहा भी नुकसान कर देवे जां तुहाडी गल ना मन्ने तां तुहानू गुस्सा आ जांदा है, पर जे कोई सप तुहानू डंग ले तां तुहानू उस उपर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि सारी जिंदगी तुहानू सप्पां तों डर लगेगा। हुण तुहानू सप ते गुस्सा क्यों नहीं आया, जदों कि उसने तां तुहाडा इन्ना वड्डा नुकसान कर देना सी, तुहाडी जान लैण दी कोशिश कीती। हुण एक बार सोच के देखो, जे कोई इंसान तुहानू बुरा भला कह रहा होवे जां तुहाडे नाल गाली गलोच कर रहा होवे तां तुहानू उस ते बहुत गुस्सा आएगा, पर जे उस इंसान दे हाथ च बंदूक होए ते उहदे निशाने ते तुसी होवो, फिर वह भावें तुहानू कुछ भी कह ले तुहानू गुस्सा नहीं आएगा, जां कह लो तुसी उस टाइम गुस्सा पी जाओगे। ते सच्चाई भी इहो है कि इंसान नू कदे भी गुस्सा आउंदा नहीं है, बल्कि असी गुस्सा करदे हाँ उस इंसान ते करदे हाँ जिस दा असी कुछ बिगाड़ सकदे हाँ जां जिस नू साडे बिना फर्क पैंदा, क्योंकि जिस दा असी कुछ बिगाड़ नहीं सकते उस ते जे असी गुस्सा करना भी चाहिए तां भी नहीं करदे, असी खुद नू रोक लैंदे हाँ, खुद नू समझा लैंदे हाँ। तुसी इस नू मन्नो भावें ना, ये जिंदगी दा कौड़ा सच है। जे तुसी चाहो तां अपने गुस्से नू कंट्रोल कर सकदे हो, पर तुसी अजिहा करदे नहीं। तुसी उत्थे ही कंट्रोल करदे हो जिथे तुहानू लगदा कि तुहाडा कोई नुकसान हो सकता। एक चपड़ासी तो जे गलती नाल भी चाह डिग जाए तो हर कोई उसनू पता नहीं किन्नियां गल्लां सुना देगा, पर जे उही चाह तुहाडे बॉस तो डिग जाए तो तुसी खुद टिशू पेपर नाल उस चाह नू साफ कर दोगे, तो गुस्सा करन दी बजाए उसनू बोलोगे, सर जी कोई गल नहीं, कदे कदे हो जांदा है, नहीं पता लगता। तो जे तुसी भी हुण तक यही सोचते सी कि तुहानू गुस्सा आ जांदा तो तुसी अपने मन नू हजे तक समझ ही नहीं सके। की तुसी इस गल ते कदे ध्यान दिता है कि तुसी गुस्से दी वजह नाल ज़्यादा दुखी रहिंदे हो जां उन्हां कारणां करके जिन्हां दी वजह नाल तुहानू गुस्सा आउंदा। गुस्सा करन दी बजाए उन्हां कारणां नू दूर करो। बिना सोचे समझे कुछ भी कहण तों पहलां थोड़ा रुक के शांत मन नाल उस समस्या ते ध्यान दिओ। जदों भी तुहानू किसे दे गुस्सा आवे जां किसे नू बुरा बोलण दा मन करे तां एक वार सोचिओ जरूर कि जे कोई होर तुहाडे नाल ऐसा करेगा तां तुहानू किहो जिहा महसूस होएगा, तुहाडे दिल नू किवें ठेस लगेगी। तुहानू जवाब अपने अंदरों ही मिल जाएगा। गुस्सा करन नाल किसे परेशानी दा हल नहीं मिलदा, बल्कि हालात इन्ने उलझ जांदे ने कि जिहड़ी गल कुछ मिंटां विच खत्म हो सकती सी सारी उम्र की दुश्मनी च बदल जाती है। होरां दे मन विच तुहाडे लई जहर भर जांदा ते बाद विच तुहानू भी पछतावा हुंदा। कि कदे भी तुहानू गुस्सा करन तों बाद वधिया महसूस होया जां तुहाडे मन विच इह विचार आए होण कि तुसी बहुत चंगा कीता उसदा दिल दुखा के उस नाल हमेशा लई अपने संबंध खत्म करके ते अपना एक नवां दुश्मन बना के। नहीं ना, तुसी सब कुछ जाणदे होए भी क्यों गुस्सा करदे हो, क्योंकि तुसी अपनियां भावनावां च बह जांदे हो ते अगे दा नहीं सोचदे। जिस दिन तुसी अगे दी सोच के अपने अज दे काम करने शुरू कर दिते तुहानू कदे गुस्सा नहीं आएगा ते तुहाडे काम सही ढंग नाल होणगे। इस गल नू हमेशा याद रखो, गुस्सा आउण ते चीखण जां गुस्सा करन लई ताकत दी लोड़ नहीं हुंदी, बल्कि उस वक्त दिमाग नू ठंडा रखण लई ताकत दी लोड़ हुंदी है। ते इह ताकत तुहानू तुहाडा ज्ञान ते तुहाडा विवेक दिंदा है। क्रोध एक अजिहा तूफान है जो तुहाडे ज्ञान दे दीपक नू बुझा दिंदा है। अपने इस दीपक नू बुझण ना दिओ, बल्कि उज्ज्वल रखो, तुहानू कदे गुस्सा नहीं आएगा। किसी ने किन्ना सोहना लिखिया कि क्रोध दे समय थोड़ा रुक जाओ ते गलती दे समय थोड़ा झुक जाओ, देखियो हर समस्या दा हल तुहानू जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद है कि तुहानू इह गल्लां वधिया लग रहीआं होणगीआं। इस सफर विच साडा साथ देण लई तुहाडा दिल दीआं गहराईआं चों बहुत बहुत धन्नवाद। ऐसे तरह दीआं होर वीडियोज़ रोज़ाना देखण लई सोच चैनल नू सबसक्राइब करो। ते अंत विच सिर्फ इन्ना ही, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुहाडे जैसा।